हेलो गाइस, मैं हूं अर्णव और आपका स्वागत है मेरे एक्सप्रेस जेएस ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 5 में। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम स्लग्स के साथ कैसे काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता दूं कि स्लग होता क्या है। तो स्लग किसी भी यूआरएल का एक एंड पार्ट होता है जिसका हम यूज करते हैं वेबसाइट को बताने के लिए कि हमने एग्जैक्टली कौन से पेज पर जाना है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूँ यहाँ पर, तो उसका जो यूआरएल है यहाँ पर वो है यहाँ पर youtube.com/programmingwithArnav/featured। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बार मैं फीचर्ड को हटाऊँ यहाँ पर, यस, तो यहाँ पर यूआरएल यहाँ पर कौन सा बचेगा, youtube.com/@programmingwithArnav। तो यहाँ पर youtube.com के साथ जो यहाँ पर @programmingwithArnav है, ये हमें बता रहा है कि हमने एग्जैक्टली कौन से चैनल पर जाना है। ये मतलब हमारा एंड पॉइंट है यूआरएल का ये। तो हमने ये बिल्ड करना है। तो मैं एक बार बताया था हमने अभी, तो हम जो वेबसाइट बिल्ड कर रहे थे उसके अंदर हमने क्या करना है अब, यस। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको उस वेबसाइट को रन कर दिखा देता हूँ। Yes, node index.js, yes। तो यहाँ पर द ऐप इज रनिंग, तो मैं इसको ओपन करूंगा लोकल होस्ट में, yes। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं एम्प्लॉयज में जाऊंगा। तो एम्प्लॉयज के अंदर यहाँ पर 4 एम्प्लॉयज आ रहे हैं यहाँ पर, yes। तो मैंने इसको हैंडल बार्स की मदद से मैंने इसको रेंडर किया था यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है, जब मैं इसको क्लिक करूँ तब ये लेके जाए मुझे employees/person1 में। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर लेके जाएगा employees/person1 में, और जो और उस URL के अंदर क्या डिस्प्ले करे उसकी मतलब पूरी डिटेल्स, इसकी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है, yes। तो चलिए इसे बिल्ड करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक गेट फंक्शन लगाता हूँ, एक app.get। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको हटाता हूँ, मैं मुझे क्या गेट करना है, अगर यहाँ पर है app.get employee/, मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक स्लग। मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह लिखना है, इसका सिंटैक्स ये होने वाला है app.get/employee/, फिर एक कोलन लगा के स्लग, मतलब employee/person1, person2 कुछ भी हो सकता है ऐसे। उसके बाद ही क्या करेगा, मैं यहाँ पर करने वाला हूँ let employee, फिर हमने गेट करना है, हमने एक बार employee, यहाँ पर employee तो आ जाएगा। मैं एक बार बताता हूँ कि इसको हम कंसोल लॉग कैसे करते हैं, मतलब इसको गेट कैसे करते हैं स्लग की वैल्यू को। उसके लिए मैं करने वाला हूँ console.log request.parameters, मतलब मैं लिखूंगा request.params/slug, yes। तो मैं कुछ इस तरह से लिखने वाला हूँ इसको। तो जब मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा, yes, तो यहाँ पर द ऐप इज रनिंग। तो यहाँ पर जब मैं जाऊंगा यहाँ पर employee/person1, yes। तो जब मैं यहाँ पर गया तो एक बार कुछ भी आ नहीं रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर rest.send में मैंने कुछ किया ही नहीं था। तो एक बार के लिए इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर जब मैं जाऊंगा यहाँ पर कंसोल लॉग हो गया, यहाँ पर जो हमने स्लग हमने एंटर किया था person1, yes। तो अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या करूंगा, मैं मुझे यहाँ पर सबसे पहले उसका डेटा गेट करना है कि मतलब एग्जैक्टली जो एम्प्लॉयज में से मुझे ये वाला गेट करना है। मान लीजिए मैंने person1 यहाँ पर मैंने स्लग में एंटर किया, तो ये पूरा का पूरा इसको यहाँ पर सेंड कर दे फाइल के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर करूंगा लेट एम्प्लॉय इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर फिल्टर करने वाला हूँ किसको, एम्प्लॉयज को, मुझे ये फिल्टर करना है। तो मैं फिल्टर क्या करूंगा, ये पहले पूरे के अंदर मान लीजिए एक लूप चलाएगा, और जिसके अंदर जो इसका नेम है वो स्लग के इक्वल आ गया, तो ये वहां पर ब्रेक होकर इसको हम रेंडर करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं करने वाला हूँ employees.filter, तो मुझे यहाँ पर फिल्टर लिखना है, yes। तो उसके अंदर मुझे यहाँ पर भेजता हूँ मैं इसके अंदर employee, ऐसे मैं एक एरो फंक्शन लगाऊंगा यहाँ पर, yes। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न employee.name, मतलब जो एम्प्लॉय का जो नाम है वो इक्वल हो किसके, request.params/slug के, yes। अगर ये इक्वल हुआ तो मतलब यहाँ पर जब मैं एम्प्लॉय को जब कंसोल लॉग करूंगा, तो ऐसे करते हैं यहाँ पर क्या करूंगा res.send, मतलब response.send में क्या करने वाला हूँ employee, मतलब जो इसकी वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो सेंड करेगा इसको। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं, yes। तो मैंने इसको रिस्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जब मैं आप जाऊंगा employee/person1 में, yes, तो यहाँ पर इसने पूरा प्रिंट कर दिया, name is equal to person1 age 20, role front end developer, yes। तो यहाँ पर पूरा आ गया है। तो मुझे इस तरह से प्रिंट नहीं करना है, मतलब जब मुझे क्या करना है, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तब तो इस URL पर जाइए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊंगा यहाँ पर main.handlebars में जाऊंगा, employee.handlebars में, जिसके अंदर मैंने डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पर जो मैंने each लूप लगाया हुआ था मैंने इसके अंदर, तो ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर div के अंदर मैं एक एंकर टैग लगाऊंगा यहाँ पर, एंकर टैग, यस। तो ahref में से क्या करता हूँ, /employee/, फिर मैं दो ब्रैकेट्स लगाऊंगा, उसके बाद मैं लिखने वाला हूँ this.name, यस। तो उससे इसको गेट कर लेगा ये।
तो इसके अंदर क्या करता हूँ, जो एंकर टैग को मैं क्लोज करूंगा यहाँ पर लास्ट पर आकर। यस तो चलिए एक बार इसको पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ। यस तो चलिए अब चेक करते हैं अभी कैसा लगने वाला है। यस तो एक बार मैं इसको रीलोड करता हूँ। यस तो अभी कुछ इस तरह से आ रहा है अभी, तो अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर नीचे यहाँ पर ये लाइंस आ गई हैं यहाँ पर। यस तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार इसको इनलाइन स्टाइलिंग देता हूँ यहाँ पर। स्टाइल वो होने वाला है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जो इसका जो कर्सर है मैं वो करता हूँ यहाँ पर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। यस तो चलिए एक बार इनको चेक करते हैं। यस तो यहाँ पर आ रहा है, जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो मैं कर्सर ही चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटाकर मैं इसको कार्ड बॉडी के अंदर लिखता हूँ मैं, स्टाइल कर्सर पॉइंटर। यस तो चलिए अभी वर्क करेगा। यस तो अभी ये कुछ इस तरह से आ रहा है अभी। जब मैं अब क्लिक करता हूँ तो ये पर्सन वन में जा रहा है, तो जब मैं पर्सन थ्री पर क्लिक करूँ तो पर्सन थ्री ओपन हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ इस तरह से रेंडर नहीं कराना है इसको। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊंगा इंडेक्स डॉट जे एस में, और मैं यहाँ पर करता हूँ आर ई एस डॉट सेंड, यहाँ पर इम्प्लॉय था, मैं यहाँ पर करने वाला हूँ आर ई एस डॉट रेंडर। तो इसके अंदर रेंडर क्या करना है मुझे, मैं एक फाइल बना लूंगा अभी इम्प्लॉय, और उसके अंदर मुझे यहाँ पर सेंड क्या करना है, मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ डेटा इक्वल टू इम्प्लॉय। इसमें जो इम्प्लॉई है इसका मतलब इसको एज अ डेटा गेट करेगा ये। तो चलिए एक फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर इम्प्लॉई डॉट हैंडल बार्स। मैं यहाँ पर व्यूज फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ इम्प्लॉई डॉट हैंडल बार्स। यस तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर करता हूँ सबसे पहले H1, तो H1 के अंदर मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, दिस डॉट नेम, फिर यहाँ पर एक मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, फिर एक होगा H3, H3 कर देते हैं। तो यहाँ पर डेटा कौन कौन सा था उसके लिए मैं जाऊँगा एम्प्लॉय डॉट जेएस में, नेम एज रोल, उसके बाद उसका रोल आना चाहिए H3 के अंदर, फिर आना चाहिए यहाँ पर दिस डॉट रोल, फिर यहाँ पर एक फिर यहाँ पर आएगा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में मुझे क्या लिखना है, एक तो उसका एज स्किल्स और उसका एक्सपीरियंस, दिस डॉट एज, फिर उसके स्किल्स और एक्सपीरियंस को मैं कुछ तरह से प्रिंट कर लेता हूँ। बाकी स्टाइलिंग आप खुद से कर सकते हैं, स्किल्स और उसका एक्सपीरियंस। यस तो चलिए अभी एक बार इसको चेक करते हैं। यस तो यहाँ पर मैं इसको एक बार रीलोड करता हूँ। यस मान लीजिए जब जब मैं क्लिक करूँगा पर्सन वन पर तो ये कुछ अभी प्रिंट नहीं कर रहा है। तो चलिए एक बार इसका कोड चेक करते हैं सबसे पहले, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर एम्प्टी है अभी तक। ओके तो मेरे को समझ आ गया मैंने इसके अंदर क्या गलती की है, मैंने यहाँ पर दिस नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पर लिखना है डेटा डॉट नेम। यस तो मैंने यहाँ पर ओके तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया था डेटा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। यस तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बार रीलोड करता हूँ, जब मान लीजिए मैं पर्सन पर क्लिक करूंगा तो अभी एक बार यही आ रहा है एम्प्टी। तो यहाँ पर एक सब खाली है यहाँ पर H3 वगैरह, मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ यहाँ पर डेटा डॉट एक्सपीरियंस है। एक मिनट में मैं अपने कोड को रीचेक करता हूँ, एम्प्लॉई एम्प्लॉई डॉट फिल्टर एम्प्लॉई। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार के लिए ऐसे करता हूँ एक मिनट, ये एरे यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर करूँगा जीरो, मतलब ये एक बार एक एरे बनाता है यहाँ पर जिसके अंदर एक ही आइटम थी, तो मैं सीधा इसका जीरो ही कर देता हूँ। द ऐप इज रनिंग। यस तो अब आप देख सकते हैं अभी प्रिंट हो रहा है ये। यस तो आप देख सकते हैं हमने कितने इजीली इसको बिल्ड कर लिया है। तो मैं ऐसे करता हूँ एक बटन भी इसके अंदर लगाता हूँ जो कि बैक जाए यहाँ पर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ पर, तो मैं पर सबसे पहले बटन लगा देता हूँ, उसके लिए मैं लिखने वाला हूँ बैक। तो उसको मैं कुछ स्टाइलिंग देने वाला हूँ यहाँ पर, उसको मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पर क्लास, तो उसकी क्लास होने वाली बटन, और बटन करता हूँ यहाँ पर वार्निंग कर देते हैं। यस और उसके बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक लाइन ब्रेक भी लगा दूंगा इसके बाद, दो लाइन ब्रेक लगा देते हैं, और यहाँ पर उसको कुछ और यहाँ पर दे देता हूँ, उसका होने वाला है MX में कर देता हूँ उसका 3, उसका MT भी कर देते हैं, MT होने वाला है इसका 3। यस तो चलिए अब इसको चेक करते हैं अभी कैसा लगेगा। तो
यहाँ पर जब बैक वाले बटन पर जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये क्या करे, मैं पर इसको भी एक बार ए एच एफ होने वाली है, होने वाला है एम्प्लॉइज डॉट डॉट स्लैश एम्प्लॉइज। तो चलिए इसको चेक करते हैं। यस, तो भी कुछ इस तरह था, जब मैं बैक पर क्लिक करूंगा यस तो ये बैक कर रहा है, तो पर्सन थ्री। जब मैं यहाँ पर बैक पर क्लिक करूंगा तो ये बैक भी हो रहा है यस। तो आप देख सकते हैं हमने इसको कितने अच्छे से बिल्ड कर लिया है। अब अगर आपको इसकी स्टाइलिंग और करनी है तो आप खुद से कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये वाली वेबसाइट यहाँ पर लोड होगी, यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 यस। तो जब मैं यहाँ पर इंप्लॉयज में जाता हूँ तो यहाँ पर इंप्लॉयज की लिस्ट आती है। जब मैं मान लीजिए पर्सन टू क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसके सारे इंप्लॉयज को ये शो करता है, और ये बैक का बटन भी वर्क करता है यस। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने इसको बिल्ड कर लिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।